हेलो हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले कढ़ाई पनीर, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कढ़ाई मसाला, जिसके लिए हम थोड़े से मसाले लेंगे। उसको पैन में 5 मिनट के लिए रोस्ट कर देंगे। हमने लिए 4 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच पूरा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 दालचीनी। 5 मिनट अच्छे से रोस्ट करके इसको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। और ये रेडी हो गया है हमारा कढ़ाई मसाला। फिर लेंगे हम एक पैन, उसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल। अब हम लेंगे कटे हुए पनीर। पनीर को हम तेल में फ्राई करेंगे। हमें इसे 5-5 मिनट दोनों तरफ फ्राई करना है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होने लगे, इसका मतलब हमारा पनीर फ्राई हो गया है। जैसे ही पनीर फ्राई हो जाए, इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। पनीर को निकालने के बाद हम उसी ऑयल के अंदर ऑनियन और कैप्सिकम डालेंगे। मिर्ची और प्याज को हमने सिर्फ 2 मिनट तक ही अच्छे से भूनना है। 2 मिनट अच्छे से रोस्ट करने के बाद हम इसको भी ऑयल से बाहर निकाल देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए 2 मिनट होते ही इसे हम बाहर निकाल देंगे। अब हम उसी पैन में डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, बारीक कटे हुए प्याज, 1 बड़ा हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। हमने 1 बड़ा टमाटर लिया और उसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर दिया। अब आती है मसालों की बारी। हमने डाला इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा मेन मसाला, जो कि है कढ़ाई मसाला, जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। 2 टेबलस्पून हम वो भी ऐड कर देंगे। सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। जैसे ही मसाले अच्छे से पक जाए, उसमें डालेंगे हम फ्राई करे हुए पनीर और फ्राई किए हुए प्याज और शिमला मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 ग्लास पानी और इसको हम 5 मिनट तक ढक के अच्छे से पकने देंगे। पाँच मिनट हो गए और हमारी सब्ज़ी लगभग तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अब हम इसमें ऐड करेंगे या तो अमूल की जो क्रीम आती है वो, या फिर जो घर पे मलाई होती है वो। अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जो कि है धनिया। और बस रेडी है हमारी कढ़ाई पनीर। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।